करेगा, गड़बड़ मत करना, पहले से बता रहा सावधान रहना है। तो हम थर्ड स्टेप यानी कि चिंतन, रैंडम थिंकिंग, उस पर काम शुरू करते हैं। हम इनमें से भी टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें पहले के सत्रों की तरह शून्य, कुछ नहीं, क्या, ऐसा कोई आवारा सा टॉपिक अगर आपके मन में आ रहा हो तो बताइए, वहीं से काम शुरू करते हैं। शुद्ध आवारा किस्म का टॉपिक, कोई जिसका सेंस ना निकलती हो, सोचिए। देखिए, हमें कुल मिला के सोचना ही सीखना है, ठीक है, सोचने का अभ्यास करना है। दिमाग की खिड़कियां अगर बंद हैं तो खुल जाए, यही अभ्यास करना है। तो इस अभ्यास की शुरुआत यहीं से करते हैं ना, एक टॉपिक सोचिए पहले अजीब सा, जितना अजीब सोच सकते हैं उतना अजीब सोचिए, और फिर उस पर थोड़ा सा सोचेंगे। बस टाइम टाइम फिर बोली बोली, हाँ कुछ बोला आपने और क्या, और क्या, उठ के बोलिए जोर से, अनंत, ठीक है अनंत। क्यों, कभी कभी देखो जो जितना अमूर्त है उतना ही मूर्त, और जो जितना मूर्त है उतना ही अमूर्त। इससे बाद में लेते हैं, पहले एक वर्ड वाला कोई लो, एक या दो वर्ड वाला है ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सीखने की गति ठीक रहे। इधर कोई तड़पा हुआ दीवाना बोला आओ ना, कौन कौन है वो दीवाना, मुझे आपसे क्या बात है यार, होगा समय के साथ सब होगा, चिंता मत। चलिए क्या विषम, विषम आप 8-10 बोलिए, फिर उनमें से एक चुन लेंगे हम लोग, जो आपको लगे कि एकदम रद्दी है उस पे मैं, ठीक है मैं नहीं हम, कुछ बच्चों को इसी में खुशी है कि सर बोर्ड पे देख रहे थे हमने बोल दिया कुछ, शायद इसी से बात बन जाए। उठ के बोल तो भाई, तंग नजरी, अच्छा तंग नजरी का मतलब नैरो माइंडेडनेस है ना, तंग नजरी कितना अच्छा शब्द है, एक एक करके है ना, वो एक व्यक्ति को एक ही बोलना है, जो सबसे पीछे वाले भैया हैं, सुन पाए आप लोग, विद्या मिथ्या, अच्छा मिथ्या ठीक है, अब आप लोग बढ़िया टॉपिक सोचने लग गए, मिथ्या एक एक करके, हाँ विकल्प, अच्छा ठीक ठाक हो गए, एक दो और बता दीजिए बस, हाँ मोह, वो आदित्य, आदतें, चलो बहुत हो गया बाप, है ना काफी हो गया, ठीक एक हो गया आदतें,
पाप या पुण्य ये तो बहुत आसान हो जाएगा, अभी तो थोड़ा और मुश्किल रखो। तौबा, देखो तौबा, चलिए हो गया। अभी आप जितना दिमाग इसमें लगा रहे ना उतना दिमाग किसी एक विषय में लगाएंगे। अभी हम विषय सोचना तो एक खास किस्म की बात है, वो तो हमने करी थी। हो गया, छोड़ दें। चलिए अब आपको बताने कि इनमें सबसे ऊट पटांग कौन सा लग रहा है आपको। उसका एंगल सिर्फ एक रहेगा कि जिस पर लिखना मुश्किल हो, मतलब अपने उम्र की अपने हार्मोन्स के बेस पे नहीं सोचना है कि जीवन में सबसे मुश्किल है, आओ ना बुला बुला के थक गए कोई आई जी, वो सब नहीं कर रहे। लिखने में जो मुश्किल है, जीवन में मुश्किल की बात नहीं कर रहे, जो लिखने में मुश्किल है वो बोला। चलो एक एक करके देखते हैं। मेरे ख्याल से ये तो आसान है, आदतें, विकल्प भी आसान ही है। मुझे तो विषम भी आसान लग रहा है और अनंत भी आसान लग रहा है। बाकी आप खारिज कर सकते हैं मेरी बात को, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि हमें एक चुनना है ना, तो क्या करें, खारिज करने ही पड़ेंगे टॉपिक्स बहुत सारे। तो ये कुछ खारिज हो गए, और क्या ठीक है, क्यों भी ठीक है, कभी कभी मेरे ख्याल से आसान टॉपिक है, इनकी तुलना में आसान टॉपिक है। आओ ना में कुछ मेरे ख्याल से ये भी आसान ही है, लेकिन ठीक है ऐसा मान लेते हैं। मैं नहीं हम आसान टॉपिक है, मैं थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं। तंग नजरी मेरे ख्याल से सबसे आसान टॉपिक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान टॉपिक है। मिथ्या अगर आप दर्शन के बैकग्राउंड के हैं तो एक खास तरीके से एकदम आसान हो जाएगा, और नहीं भी है तो आप मिथ्या को झूठा समझ के असत्य मान के भी लिख ही सकते हैं, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा चलो इसको, अच्छा ठीक है टॉपिक की बात कर रहे हैं, मुझे लगा आप इसके बारे में कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक मान लेते हैं, ये भी ठीक ही है, ये तो आसान है, ये तो आसान है, ठीक है इसमें क्या होता है। चलिए अब जो उम्मीदवार बचे, 5-6 बचे, इनमें से हम एक चुन लेते हैं। और क्या, क्यों, आओ ना, मैं, मिथ्या, तौबा, वो या वह और रहस्य। तो अगर आपको लिखना हो तो आपको क्या लगता है कि मैं से किस पे बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे? मैं, वोटिंग करवाएं। अच्छा मुझसे अगर पूछेंगे ना, हार्मोन संभालो अपने, आओ ना, ऐसे कोई नहीं आएगा जीवन में, चिल्लाने से वैल्यू कम हो जाती है। लड़के आदिकाल से आज तक यही नहीं समझ पा रहे, इतना चिल्लाते कोई भाग नहीं देता उनको, फिर थोड़ा उसको कंट्रोल करो, मन में कितना भी आए अपने आप को खुद ऐसे बिछा मत दो तुरंत, तब कोई भाव देगा, ऐसे चटाई बन जाओगे हमेशा तो कोई भाव नहीं देगा उसको। चटाई जैसा व्यवहार करेंगे तो कैसे कोई सम्मान करेगा, वो लपेट के ले जाएगा। छोड़ा, डेंसिटी होनी चाहिए, भावनाओं में घनत्व होना चाहिए, ठीक है, डेप्थ लाइए डेप्थ। तो आओ ना छोड़ दें, है ना, चलो छोड़ दो, ठीक है। और रहस्य मुझे लगता है आसान है, इसमें विज्ञान दर्शन भगवान भगवान करके आप लिख ही देंगे, रहस्य में ऐसा क्या है। देखो 2-3 टॉपिक्स में बताता हूं, एक तो मिथ्या ले लीजिए, एक मैं ले लीजिए, एक क्यों ले लेते हैं। मेरे ख्याल से ये 3 टॉपिक्स सीखने के लिए अच्छे, इनमें से अब मैं वोटिंग करवा लेता हूं, आप जो कहेंगे उस पर हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। वोटिंग करवाऊंगा ना, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, अभी करवा रहे हैं वोटिंग, और नोटा का ऑप्शन भी है, मैं 4 बोलूंगा, आप किसी एक पर हाथ खड़ा कीजिएगा, ठीक है, केवल फर्स्ट प्रेफरेंस पे हाथ खड़ा करना है। तो आप में से कितने लोग क्यों के पक्ष में हाथ खड़ा करें, ये लोग करीब 40-50 मान लेते हैं, ठीक है। कितने लोग मैं के पक्ष में है,
ये तो वैसे एक मोदी लहर टाइप मामला हो गया, इसमें तो करीब 200 के करीब हो गए, और मिथ्या में इसमें तो बहुत कम है, 10-20 होंगे सिर्फ। तो फिर हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक हुआ फाइनली मैं। चलिए तो शुरू करते हैं मैं पे। तो मैं विषय पर आपको करीब 1200 शब्दों का निबंध लिखना है, ठीक है। अभी निबंध लिखेंगे नहीं हम लोग, अभी हम केवल निबंध लिखने का तीसरा चरण जो है सोचना, उसका अभ्यास करेंगे। जब तक मैं लिखने के लिए ना कहूं निबंध लिखिएगा मत, और लिखेंगे तो मुझे दिखाइएगा मत जब तक मैं ना कहूं। और मैं शायद 4 या 5 दिन के बाद आपसे कहूंगा कि अब आप निबंध लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, तब तक नहीं करना है, जितना करेंगे उतना ही अभ्यास कीजिए बस, ठीक है। तो अपने रजिस्टर में सबसे ऊपर लिखिए मैं। अब मैं कुछ सिखाऊं, उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप एक बार खुद सोचिए कि इस पर क्या क्या पॉइंट्स आपको सूझ रहे हैं। कुछ भी सोचिए, 2-3-5 मिनट लीजिए और कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए इसमें। आपको पूरे पूरे वाक्य नहीं लिखने हैं, केवल पॉइंट सोचने हैं। पॉइंट मतलब एक दो शब्दों में संकेत केवल नोट कीजिए कि इस बारे में लिख सकते हैं या ये चीज लिख सकते हैं इस तरह से। सोच पा रहे हैं? अच्छा अच्छा एकदम दिमाग को एकदम आवारा बना लीजिए, मुक्त चिंतन जिसको बोलते हैं, कोई लिमिट नहीं, जो मन में सूझे वो लिखिए। तो मुक्त चिंतन कह लीजिए इसको, जो रैंडम थिंकिंग है। शुरू करें बातचीत या थोड़ा और सोचेंगे? सोच ले ठीक ठाक। चलो तो ये बताएं कि जो सोचा आपने, आप में से कितने लोगों को ये भरोसा है कि हाँ लिख सकते हैं 1200 शब्द? अभी ऐसे लोगों की संख्या 8, 7, 8, 10 के आसपास है। गुड, बस ये भरोसा सबको आ जाना चाहिए जल्दी ही, और जिनको है उनको थोड़ा सा और भरोसा आ जाए कि और अच्छा लिख सकते हैं। इस वर्कशॉप का ही तो फायदा है, और क्या फायदा है। चलिए हम सोचना कैसे है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, एक तो जब भी कोई टॉपिक आए आप सबसे पहले ये सोच सकते हैं कि उसका बेसिक अर्थ क्या है, अर्थ का विस्तार कितना है। अरे सबसे पहले जो आपको सूझे ना, मीनिंग क्या है टॉपिक का, क्या पूछना चाह रहे हैं। जैसे मैं का अर्थ तो मैं ही होता है, कोई व्यक्ति विशेष जिसके बारे में बात की जा रही है, मतलब जो अपने बारे में कह रहा है उसको हम कह देंगे कि वो मैं है, सीधी सी बात है। और मैं का प्रयोग केवल जैसे मैं अपने बारे में करूं तो मैं बोलूंगा, क्या किसी और सेंस में मैं का प्रयोग हो सकता है? अब ये मत कहना कि बकरी भी मैं करती है, वो सब मत कहना, हाँ थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सुनने में। हो सकता है आपने ऐसा लिखा होगी बकरी भी मैं करती है, तो शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा में ऐसा लिखने से बचेंगे। जैसे एक सीरियल था बहुत पहले महाभारत नाम का, टीवी पे आया करता था, बीआर चोपड़ा का, आपने देखा महाभारत? आप लोग उस जमाने में थे या उससे पहले की बात है, प्रागैतिहासिक काल की बात है? चलिए तो उसकी शुरुआत में आ रहा था मैं समय हूं, समय उसमें सूत्रधार की भूमिका में था। तो जैसे मुझे अचानक मैं सुनते समय सूझ गया, तो मैं सोच सकता हूं कि हम समय भी अपने आप को मैं कह के बात कर सकते हैं। फिर क्या ये नहीं हो सकता कि एक देश, एक समाज, जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी कई समस्याओं को समझाने के लिए हम कुछ इकाइयों को मैं की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे
मान लो कि कभी कोई नदी सोचे, मैं कुछ दिन पहले ताजमहल देखने गया, मतलब कुछ घर के बच्चे थे जिनको देखना था तो जिद करके ले गए, तो ताजमहल तो अच्छा है देखा, फिर वहाँ एक कल्चरल शो था वो भी देखा, तो उस कल्चरल शो में क्या था जो दुनिया में कई जगह होता है, यहाँ भी ये थीम थी, उसमें क्या था कि ताजमहल की व्याख्या यमुना की निगाह से, तो शुरुआत कैसे हुई, मैं यमुना ताजमहल को बनते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहां से बात शुरू हुई। और इसका मतलब यह हुआ कि मैं का इस्तेमाल हम केवल अपने बारे में क्यों करेंगे, सोच सकते हैं कोई और हो सकता है, अब किसी और की परकाया प्रवेश जिसको बोलते हैं, उस तरह से हो सकता है कि नदी हो, और जैसे ही आपने समय और नदी को इसमें लिया, इसके बाद तो कुछ भी आ सकता है। मैं कुर्सी हूं, मुझ पर कभी कोई बैठा है कभी कोई बैठा है, कई दुष्ट चढ़ जाते हैं, कुछ लोग चिंगम चिपका देते हैं नीचे, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं का विस्तार करते करते आप कुछ भी इसमें ले सकते हैं। मैं पेन हूं, मुझसे ही सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, मुझसे ही सारे गीत रचे गए हैं, और मैं प्लास्टिक भी तो हो गया हूं, दुनिया को बनाने में मेरी भूमिका है, दुनिया को बर्बाद भी मैं ही तो कर रहा हूं, क्योंकि मैं पेन के साथ साथ प्लास्टिक भी तो हूं। ऐसी कुछ भी बात, दिमाग को आवारा बनाना है बेसिकली, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इस तरह से कहां पहुंचे बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी आप बनाइए बस सोचिए। तो एक बेसिक सी बात है कि मैं का अर्थ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं के और अर्थ क्या क्या हो सकते हैं, मैं का एक अर्थ हो सकता है घमंड, ये आपने सुना ही होगा, इसका जो मैं है ना बहुत बड़ा है, ईगो बहुत ज्यादा है, तो मैं का एक अर्थ घमंड के सेंस में हो गया। एक स्वार्थ हो सकता है, हमेशा मैं, कभी ये नहीं सोचते कि तुम्हारा क्या होगा औरों का क्या होगा, जब देखो मैं मेरा, स्वार्थ की सेंस में आ सकता है। फिर अगर आपने मनोविज्ञान थोड़ा सा भी पढ़ा हो या सुना उसके बारे में, एक कंसेप्ट है सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ परसेप्शन का मतलब है कि मेरी अपनी नजर में छवि क्या है, आत्म छवि क्या है। सेल्फ परसेप्शन से तय होता है कि मुझे अपने ऊपर कितना भरोसा है। आपने देखा होगा कुछ लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे होते हैं, कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे होते हैं, तो आत्मविश्वास का स्तर मेरा जिस चीज से तय होता है, ऊंचा हो चाहे नीचा हो, वो तय होता है इस बात से कि मेरा अपने बारे में परसेप्शन क्या है, यानी कि सेल्फ परसेप्शन क्या है। तो मैं की एक सेंस में ही मान सकता हूं। फिर आपने कभी ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके अंदर मैं का पक्ष है ही नहीं, तो इसको स्वार्थ वाले अर्थ में दो सेंस में ले सकते हैं। एक तरफ जिनमें मैं नहीं के बराबर था, जैसे आप महात्मा गांधी की बात कर सकते हैं, मतलब इसमें विवाद है कि उनमें मैं का भाव था कि नहीं था, लेकिन हाँ हम सबकी तुलना में तो कमी था मैं का भाव उनके अंदर। और दूसरी तरफ ऐसे लोग जैसे एडोल्फ हिटलर, ऐसे लोग जिनकी मैं ने दुनिया को तबाह कर दिया, और कुछ लोग जिनके अंदर मैं नहीं था इसलिए वो महान हो गए, ये सेंस आ सकती है। पर मैं नहीं होना हमेशा अच्छी बात है या बुरी बात भी हो सकती है, तो कुछ ऐसे लोग भी सोच सकते हैं जिनके अंदर मैं नहीं है इसलिए वो हमेशा शोषण के शिकार हुए। जैसे हमारे सामान्य परिवार के भीतर जो स्त्रियां हैं, महिलाएं, आमतौर पर परिवार के निर्माण में उनकी जितनी भूमिका है उतना सम्मान उनको नहीं मिलता है, और ये कहेंगे कि इनके अंदर तो मैं का भाव ही नहीं है। तो मैं का भाव न होना, अपने अधिकारों के प्रति सजग न होना एक आमंत्रण देता है, तो मैं नहीं का मतलब अधिकारों के प्रति सजग न होना। इससे क्या होता है कि हर व्यक्ति को लगता है कि इसका शोषण किया जा सकता है, इसका फायदा उठाया जा सकता है,
इसलिए व्यक्ति के भीतर इतना मैं जरूर होना चाहिए कि कोई उसका मिसयूज ना कर सके, और इतना मैं नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों का मिसयूज करने लगे।